नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। 11 लाख परिवारों को सीएम योगी ने सौंपे डिजिटली घरौनी। कहा अगस्त तक सभी 1,10,000 राजस्व गांवों का पूरा हो जाएगा सर्वे। अक्टूबर 23 तक हर ग्रामीण परिवार को दे दिया जाएगा ग्रामीण आवासीय अभिलेख। राजस्व और रजिस्ट्री विभाग मिलकर रोके फर्जी बैनामे। फ्रॉड करने वालों को पुलिस को सौंपे। 6 साल बाद नहीं, बैनामे के साथ खतौनी में दर्ज किया जाए खरीदने वाले का नाम। 5 साल में माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराई गई 64,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश व एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा की अध्यक्षता में चिड़ताल थाने पर थाना समाधान दिवस का किया गया आयोजन। फरियादियों की सुनी फरियाद, समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारी को दिए निर्देश। फर्जी व्यक्ति बनकर दूसरे की जमीन की रजिस्ट्री व दूसरे के खाते से पैसा निकालने वाले एक अभियुक्त अविनीश कुमार श्रीवास्तव को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। कौशल विकास मिशन के तहत 2022 व 23 का प्रदेश सरकार ने जिले में छात्रों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य किया निर्धारित। सीडीओ ने कहा 3,200 छात्रों को अलग अलग कोर्स के माध्यम से दिया जाएगा प्रशिक्षण। प्रशिक्षण के बाद प्लेसमेंट के माध्यम से जॉब करवाया जाएगा उपलब्ध। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के स्मृति में 23 जून से 6 जुलाई तक चलाए जा रहे वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में किया गया वृक्षारोपण। विकास कार्यों की सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने एडीओ व बीडीओ के साथ की समीक्षा बैठक। शासन की कल्याणकारी योजनाओं का नागरिकों को लाभ दिलाने के दिए निर्देश। एसपी सिटी व एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में गोरखनाथ थाने पर थाना समाधान दिवस का किया गया आयोजन। कहा थाना समाधान दिवस में 5 मामलों का मौके पर किया गया निस्तारण, बाकियों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारी को दिया गया है निर्देश। उन्नीस मई को भटट ब्लॉक में तैनात सफाई कर्मी सनोज कुमार की तबीयत खराब होने से हुई थी मृत्यु। डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर ने मृतक की पत्नी जंतिरा देवी को मृतक आश्रित कोटे से सौंपा नियुक्ति पत्र। गुरु श्री गोरक्षनाथ रक्तकोष एवं एयरफोर्स हॉस्पिटल के तत्वावधान में रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। कहा रक्तदान है महादान, एक रक्तदान है एक यज्ञ के समान। और नवीन महवा मंडी में हुए अतिक्रमण को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने व्यापारियों के साथ की बैठक। 1 हफ्ते के अंदर अतिक्रमण को खाली करने के दिए निर्देश। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 11 लाख परिवारों को डिजिटली और 10 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण आवासीय अभिलेख घरौनी सौंपी। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि अगस्त 22 तक प्रदेश के सभी 1,10,000 से अधिक राजस्व गांवों का सर्वे पूरा कर लिया जाएगा और अक्टूबर 2023 तक हर ग्रामीण परिवार को घरौनी उपलब्ध करा दिया जाएगा। शनिवार को जालौन प्रदेश का पहला जनपद बन गया है जहां 100% लोगों को घरौनी तैयार हो चुकी है। वहीं गोरखपुर जिले के सदर तहसील के 262 लोगों को और सहजनवा तहसील के 595 लोगों को घरौनी सौंपी गई। मुख्यमंत्री योगी शनिवार को लोक भवन सभागार में आयोजित समारोह में स्वामित्व योजना के तहत डिजिटली और भौतिक रूप से घरौनी प्रमाण पत्र सौंपने के बाद संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम सब प्रधानमंत्री मोदी जी के आभारी हैं जिनके प्रयास से अप्रैल 2019 से यह कार्यक्रम शुरू हुआ। यह महज एक कार्यक्रम नहीं, तकनीक है जो ग्रामीणों को उनकी पुश्तैनी आवासीय जमीन का मालिकाना हक देने वाला अभियान भी है। आज उत्तर प्रदेश के 34 लाख परिवारों को घरौनी प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। घर का मालिकाना हक मिलने के बाद अब यह लोग कोई व्यवसाय करने के लिए बैंक से लोन भी ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि गांधी जी ने ग्राम स्वराज का सपना देखा था, प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर ग्राम का कार्य शुरू किया।
आज 34 लाख से अधिक परिवारों को घरौनी प्रमाण पत्र का वितरण संपन्न हुआ है। यह भारत के लोकतांत्रिक इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है। संयोगी है आज इस देश ने आपातकाल के खिलाफ आवाज उठाई थी। 1975 को आज के दिन जब चोरी छिपे जबरन इस देश पर आपातकाल थोपा गया था और उसके बाद देखते ही देखते लोकतंत्र को बचाने के लिए आंदोलन खड़ा हुआ था। लोकतंत्र की आज इस दृष्टि से भी विजय है कि 23 लाख परिवारों को घरौनी वितरण का कार्य संपन्न हो चुका है। 11 लाख परिवारों को घरौनी प्रमाण पत्र वितरण के लिए आज हर तहसील मुख्यालय पर आयोजन किया जा रहा है। ऐसे लोग वर्षों से अपनी जमीन पर रह रहे थे, लेकिन छोटी छोटी बातों पर अक्सर विवाद होता था। घर गिरने पर अपना मकान बनाने से कहीं दबंग तो कहीं माफिया रोकता था, कहीं लेखपाल रोकता था, वसूली होती थी। आबादी की जमीन से दबंग गरीब को उजाड़ देते थे। तकनीकी से तैयार घरौनी प्रमाण पत्र के बाद इस पर विराम लग गया है। तकनीकी से आवासीय भूमि की पैमाइश होती है, ड्रोन से सर्वे होता है, गांव की खुली बैठक में सहमति और असहमति के कमेंट लिए जाते हैं। सबका समाधान होने के बाद घरौनी तैयार की जाती है। अब तक 34 लाख लोगों को इसका लाभ मिल चुका है। आज जालौन प्रदेश का पहला जिला बन गया है जहां के 100% ग्रामीणों को घरौनी मिल चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आवासीय प्रमाण पत्र के अभाव में 1 फीट 2 फीट जमीन अथवा नाली को लेकर विवाद होते थे, कहीं आबादी की जमीन पर पशु बांधने पर विवाद शुरू हो जाता था, न्यायालय में न्याय के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी बीत जाती थी, इस पर पैसा और समय दोनों बर्बाद होता था। डबल इंजन की सरकार ने इस सभी समस्याओं से मुक्त कर दिया है। देश में 2,50,00,000 लोगों को घरौनी का वितरण हो चुका है। प्रदेश सरकार इस अभियान के रूप में ले रही है। घरौनी से बैंक लोन लेने की क्षमता प्राप्त होगी और वह व्यवसाय भी कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने वृहद योजना तैयार की है। 2017 में सत्ता में आते ही हमने भूमाफिया और राजनीतिक संरक्षण में गरीबों की जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ एंटी भूमाफिया फोर्स गठित किया था। 64,000 हेक्टेयर भूमि मुक्त कराई। मुसहर, चेरो, वनटांगिया, सहरिया, चेरो, कोल, जिनकी कोई आवाज नहीं सुनी जाती थी, उन्हें जमीन का टुकड़ा दिया, मकान दिया। आज कोई ग्रामीण अभाव की जिंदगी नहीं जी रहा है। सबको राशन कार्ड, फ्री में राशन, रसोई गैस, विद्युत कनेक्शन और अब हर घर को नल से पेयजल देने जा रहे हैं। एक संवेदनशील सरकार इसी तरह कार्य करती है। इसी तरह हर निराश्रित बुजुर्ग, महिला, दिव्यांग और कुष्ठ रोगी को पेंशन दे रहे हैं। इन लोगों को 2017 से पहले 300 रुपये पेंशन मिलती थी, जिसे बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रति माह किया है। भूमि विवाद को कानून व्यवस्था की आधी जड़ बताते हुए सीएम योगी ने कहा कि जनता दर्शन में प्राय सर्वाधिक मामले भूमि विवाद और पुलिस से जुड़े होते हैं। उन्होंने कहा कि भूमि विवाद को खत्म करने के लिए चुनौती के रूप में लें और लैंड रिकॉर्ड को प्राथमिकता पर लेते हुए युद्ध स्तर पर कार्य करें। 6 साल बाद खतौनी में नाम दर्ज करने की बजाय जमीन बेचते ही खतौनी में नाम जोड़ा जाए, क्योंकि कई बार एक ही जमीन को एक व्यक्ति बार बार बेचता है, इससे विवाद बढ़ता है, लिहाजा इसे हर हाल में रोकना पड़ेगा। इसे समय सीमा के अंदर करना ही होगा। राजस्व परिषद और रजिस्ट्री विभाग को यह देखना होगा कि बेचने वाले की जमीन है या नहीं। गलत करने वालों को पुलिस को सौंपे, यह व्यवस्था जोड़ी जाए तो आधी समस्या और विवाद का समाधान हो जाएगा। राजस्व विभाग और पुलिस विभाग को धोखाधड़ी से मुक्त करना होगा। वरासत के लंबित मामलों को देखते हुए सीएम योगी ने कहा कि इसके लिए लोगों को बार बार चक्कर लगाना पड़ता है। ऐसे में वरासत दर्ज करने की एक समय सीमा निश्चित होनी चाहिए और लंबित मामले में जवाबदेही तय होनी चाहिए। इसी तरह पैमाइश की समस्या का समाधान करने के लिए समय निर्धारित होना चाहिए। समय से पैमाइश समस्या का समाधान होने से अपराध में कमी आएगी और प्रदेश का विकास होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने आधुनिक तकनीकी से घरौनी का एक बड़ा कार्यक्रम शुरू किया है। इससे संपत्ति का विवाद खत्म होगा और व्यक्ति को मालिकाना हक मिलने से लोन आदि की सुविधा मिलेगी। आबादी का प्रारंभिक डाटा तैयार होने से योजनाओं का बेहतरीन क्रियान्वयन हो सकेगा। साथ ही गाँव
की वित्तीय सुदृढ़ता भी मजबूत होगी और गांव विकास के पथ पर अग्रसर होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जीडीपी की तरह हर जनपद की भी जीडीपी बनना चाहिए ताकि आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर प्रदेश की तरह जनपद भी आत्मनिर्भर बने। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर गांव की आधारशिला का यह अभियान है जो जागरूकता के साथ हर व्यक्ति को जोड़कर लाभ पहुंचाने का कार्य करेगा। मेरठ से श्री वेद प्रकाश। लखनऊ से श्रीमती विनोदिनी। घरौनी वितरण का कार्यक्रम न केवल प्रदेश के अंदर लोक भवन के सभागार के माध्यम से बल्कि प्रदेश के अंदर हर तहसील मुख्यालय पर भी इस प्रकार के कार्यक्रम को आयोजित करके उन सभी लोगों को जो वर्षों से वहां रह रहे थे लेकिन थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर के, आपने देखा होगा एक छोटा सा विज्ञापन यहां पर हम लोगों ने जारी किया था, कहीं पर कोई गरीब का मकान टूटता था तो गांव में कोई दबंग उसको फिर से मकान नहीं बनाने देता था, कहीं पर कोई व्यक्ति दबंगई से रोकता था, कहीं कोई माफिया रोकता था और कहीं पर राजस्व विभाग के लेखपाल की कृपा हो जाती थी कि वह उस पर जबरन कब्जा करने से गरीबों को रोकता था और उसके नाम पर मनमाना वसूली करता था। आज इस पर पूर्ण विराम लगाते हुए तकनीक का उपयोग किया गया है, आपने देखा होगा अब ये राजस्व कर्मियों के जरीब से या फीता नापने से जमीन का पैमाइश नहीं होगा बल्कि ड्रोन सर्वे के माध्यम से एक एक गांव की खुली बैठक में इसका सर्वे होता है। गांव की खुली बैठक के माध्यम से आपसे इस पर सहमति और असहमति के कमेंट भी लिए जाते हैं और उसके बाद जब सभी बातों को संपन्न कर लिया जाता है, सभी प्रकार की समस्याओं का संवाद वहां पर समाधान हो जाता है तो फिर घरौनी वितरण के कार्यक्रम के लिए भी इस प्रकार के आयोजन संपन्न होते हैं और अब तक 34 लाख परिवारों को इस सुविधा का लाभ दिया जा चुका है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज के साथ ही प्रदेश का जालौन पहला जनपद है जिसमें 100% यानी 100% ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण अभिलेख का वितरण हो चुका होगा, यानी वहां पर अब गांव में जो छोटे छोटे विवाद होते थे, विवाद का कारण क्या था, कभी जमीन बड़ी जमीन के कारण कोई फौजदारी के मुकदमे नहीं बनते, छोटे छोटे बातों को लेकर एक फुट आधा फुट या घर के सामने कोई नाली बना लिया या ग्राम आबादी की लैंड है वहां पर किसी ने पशु बांधा है, कोई दबंग आया उसने जबरदस्ती उस पर कब्जा करने का प्रयास किया, ऐसी बात को लेकर के विवाद बढ़ता है बढ़ता बढ़ता है और जमीन का विवाद तो ऐसा है कि जब एक बार प्रारंभ होता है तो न्यायालय में भी बहुत लंबा समय लगता था, पीढ़ी दर पीढ़ी बीत जाती थी, मुकदमा लड़ा जा रहा है, जितने की जमीन की कीमत नहीं उससे ज्यादा उनका न्यायालय में जाने और पैसा खर्च करने में व्यतीत हो जाता था, लेकिन अब डबल इंजन की सरकार ने आपको इस सभी समस्या से मुक्त करते हुए तकनीक का बेहतर उपयोग करते हुए ये सभी सुविधाएं यहां पर उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा है। अगस्त 22 तक यानी इस वर्ष 22 अगस्त महीने तक हम पूरे प्रदेश के अंदर जो 1,10,300 से अधिक ग्राम राजस्व गांव हैं इन सभी का हम सर्वे का कार्य संपन्न कर चुके होंगे। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा की अध्यक्षता में चिल्लाताल थाने पर थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान थाने पर आने वाले फरियादियों से उनकी समस्याओं को सुना गया तथा उपस्थित संबंधित राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारियों को मौके पर जाकर शिकायतों का 100% गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के निर्देश दिया गया। साथ ही यह बताया गया कि राजस्व और पुलिस विभाग से संबंधित शिकायतों का निस्तारण आपसी सामंजस्य से सुनिश्चित किया जाए, इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही ना की जाए जिससे आम जनमानस को बेवजह परेशान होना पड़े। इस अवसर पर चिल्लोताल थाना प्रभारी प्रदीप शर्मा सहित राजस्व व पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे।
पुलिस ने फर्जी व्यक्ति बनकर दूसरे की जमीन की रजिस्ट्री कर दूसरे के खाते से पैसा निकालने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में कैंट थाना प्रभारी सचिभूषण राय ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को छात्र संघ चौराहे से पैडलेगंज की तरफ जाने वाले मार्ग से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान अविनीश कुमार श्रीवास्तव पुत्र स्वर्गीय रामेश्वर लाल श्रीवास्तव निवासी मानस विहार कॉलोनी पादरी बाजार थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। कैंट थाना प्रभारी ने बताया कि अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि हम लोगों का एक गिरोह है जिसमें अनवर नईम, सैयद सिराज अहमद, सुजीत कुमार सिंह, सतेंद्र पांडे, एजाज अहमद, राजेश गिरी, डॉक्टर नसीम तथा अन्य लोग हैं। हम लोग मौजा पिपरी में सिद्दक हसन व शहर आरा की जमीन को दिखाकर फर्जी शहर आरा हसन व फर्जी सिद्दक हसन को खड़ा कर बैनामा 2019 में करा दिए थे, जबकि सिद्दक हसन लखनऊ में डॉक्टर हैं तथा शहर आरा हसन की मृत्यु 16 फरवरी 1996 में हो चुकी है। हम लोग फर्जी आधार कार्ड व कागजात तैयार कर बंधन बैंक रघुवापुर चौरी चौरा गोरखपुर में खाता खुलवाए तथा प्राप्त रुपये को अन्य खातों में ट्रांसफर विड्रॉल किए थे। काम के अनुसार हम सब लोग आपस में मिलकर पैसा बांट लेते हैं। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, निरीक्षक राजेश कुमार, उप निरीक्षक मोहम्मद खुर्शीद खान शामिल रहे। जनपद में प्रदेश सरकार द्वारा कौशल विकास मिशन के तहत प्रशिक्षण देने के लिए 2022 व 23 का लक्ष्य निर्धारित हुआ, जिसके संबंध में सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा कौशल विकास मिशन के अंतर्गत 22 व 23 का लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है, जिसमें छात्रों को ट्रेनिंग देने के लिए ट्रेनिंग पार्टनर भी निर्धारित कर दिया गया है, जिसमें राजकीय ITI भी शामिल है। इसके अलावा प्राइवेट ITI को भी लक्ष्य दे दिया गया है। उन्होंने कहा जनपद गोरखपुर का 3,200 लोगों का प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें छात्रों को इलेक्ट्रॉनिक, ब्यूटी पार्लर, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म सहित अलग अलग क्षेत्रों में यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसको शुरू करने के लिए सभी ITI को निर्देश दिया गया है। उन्होंने बताया कि 135 बच्चों ने अपना स्किल डेवलपमेंट में रजिस्ट्रेशन कराकर अपना ट्रेनिंग स्टार्ट कर दिया है, जिसके बाद ट्रेनिंग खत्म होने पर छात्रों का प्लेसमेंट करवाया जाएगा। इस तरह छात्रों को रोजगार मिलेगा, जिसके लिए एक वृहद रोजगार मेला आयोजित होगा, जिसमें तमाम कंपनियां भाग लेंगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CDO इंद्रजीत सिंह ने कहा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो हमारा कौशल विकास मिशन है उसके अंतर्गत गोरखपुर को 22-23 का जो लक्ष्य है वो निर्धारित कर दिया गया है। ट्रेनिंग पार्टनर्स भी निर्धारित कर दिए गए हैं, जिसमें हमारे राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज या ITIs भी हैं राजकीय, और जो प्राइवेट ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं उसको भी ये लक्ष्य दे दिया गया। कुल लक्ष्य जो मिला है 3200 का है, अलग अलग सेक्टर्स में है, जिसमें ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स, आपका ब्यूटी पार्लर या हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, अलग अलग सेक्टर्स में ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसको लेके आज सारे ट्रेनिंग पार्टनर्स और गवर्नमेंट ITI और जो पॉलिटेक्निक है मीटिंग की गई है। जल्द से जल्द बच्चों को ये जो ट्रेनिंग का काम है, स्किल डेवलपमेंट मिशन का काम है, इसको शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें से 135 बच्चों ने अपना जो निर्धारित स्किल डेवलपमेंट मिशन में जो अपना एनरोलमेंट करा के ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है,
और इसके बाद इसका इनका असेसमेंट होगा, प्लेसमेंट तक की व्यवस्था की जाएगी। सर इससे रोजगार के साथ हाँ स्किल्स आने के बाद जो रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्लेसमेंट की जिम्मेवारी भी ट्रेनिंग पार्टनर्स की है, उसमें वो अपने जितने भी कंपनियां हैं उनसे लगातार संपर्क में रहते हैं। और जैसे अभी एक जुलाई के पहले हफ्ते में एक वृहद रोजगार मेला भी होगा, वो भी एक अपॉर्चुनिटी है जो पहले बच्चे जिन्होंने स्किल डेवलपमेंट मिशन में किया है उसमें आके अपना प्लेसमेंट करवा सकते हैं। इसके लिए कुछ लक्ष्य भी रखा, कितने बच्चे? हाँ ये लक्ष्य अभी आएगा तो जैसे ही डिटेल आएगा आपसे शेयर कर दूंगा। अभी जो हमारा मेला है उसकी प्लानिंग चल रही है, जैसे ही हम लोग फाइनलाइज कर लेते हैं तो आपसे लक्ष्य हम शेयर कर लेंगे। भाजपा के द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की स्मृति में 23 जून से 6 जुलाई तक चलाए जा रहे वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में दुर्गावाड़ी चौक स्थित एक निजी हॉल के प्रांगण में पौधरोपण किया गया, जिसके संबंध में भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि भाजपा राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करते हुए बहुत से ऐसे कार्य हैं जिनको समय समय पर करती रहती है। वह चाहे देश के लिए अपना बलिदान देने वाले कोई महापुरुष हो या कोरोना जैसी महामारी में भी सेवा ही संगठन के माध्यम से कार्य हो। इसी तरह 23 जून को देश की एकता व अखंडता के लिए जनसंघ के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया था और पार्टी ने तय किया था कि उनके बलिदान दिवस को पूरे देश भर में मनाएंगे। 25 जून को आज आपातकाल का कार्यक्रम पूरे देश में मनाया जा रहा है। भाजपा ने तय किया था कि 23 जून से लेकर 6 जुलाई तक पूरे देश में वृक्षारोपण का कार्यक्रम करेंगे, जिसको देखते हुए वृक्षारोपण किया गया है। इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, महानगर उपाध्यक्ष शशिकांत सिंह, प्रदेश कार्य समिति सदस्य राहुल श्रीवास्तव, क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष पुष्पदंत जैन, राजीव रंजन अग्रवाल, महामंत्री ओम प्रकाश शर्मा, देवेश श्रीवास्तव, अच्युतानंद शाही, उपाध्यक्ष ब्रजेश मणि मिश्रा, रणविजय शाही, पार्षद राधेश्याम रावत, राजेंद्र तिवारी, मंडल अध्यक्ष सूर्य प्रकाश शर्मा, जितेंद्र अग्रवाल, जीतू चतुर्भुज प्रसाद, अमित श्रीवास्तव, रजत पांडे सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, बोलिए गुरु गोरक्षनाथ की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। धर्मेंद्र सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक लकड़ी लगा, एक डंडा, एक डंडा के सहारे करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए देश में बहुत सारे सेवा के कार्य हैं, रचनात्मक कार्य हैं, उनको समय समय पर करती रहती है। चाहे देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान देने वाले देशभक्त महापुरुष हों, उनको याद करने का मामला हो, या कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सेवा ही संगठन के माध्यम से काम कर रहे हों। इसी प्रकार 23 जून को इस देश की एकता और अखंडता के लिए जनसंघ के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने बलिदान दिया था और पार्टी ने तय किया था कि हम उनके बलिदान दिवस को पूरे देश भर में मनाएंगे। 25 तारीख को आज आपातकाल का कार्यक्रम पूरे देश में काला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और पार्टी ने तय किया था कि हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस 23 जून से लेकर 6 जुलाई उनके जन्म दिवस तक पूरे देश भर में हर बूथों पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम करेंगे। और उसी के क्रम में आज गोरखपुर महानगर के अध्यक्ष राजेश जी, इनके नेतृत्व में पूरे महानगर के कार्यकर्ता वृक्षारोपण अभियान का शुभारम्भ किए हैं। सभी बूथों पर इस प्रकार के वृक्षारोपण का कार्यक्रम अभियान के रूप में चलाया जाएगा। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर।
11 लाख परिवारों को सीएम योगी ने सौंपी डिजिटली घरौनी। कहा, अगस्त तक सभी 1,10,000 राजस्व गांवों का पूरा हो जाएगा सर्वे। अक्टूबर 23 तक हर ग्रामीण परिवार को दे दिया जाएगा ग्रामीण आवासीय अभिलेख। राजस्व और रजिस्ट्री विभाग मिलकर रोके फर्जी बैनामे, फ्रॉड करने वालों को पुलिस को सौंपे। 6 साल बाद नहीं, बैनामे के साथ खतौनी में दर्ज किया जाए खरीदने वाले का नाम। 5 साल में माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराई गई 64,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश व एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा की अध्यक्षता में चिड़ताल थाने पर थाना समाधान दिवस का किया गया आयोजन। फरियादियों की सुनी फरियाद, समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारी को दिए निर्देश। फर्जी व्यक्ति बनकर दूसरे की जमीन की रजिस्ट्री व दूसरे के खाते से पैसा निकालने वाले एक अभियुक्त अविनीश कुमार श्रीवास्तव को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। कौशल विकास मिशन के तहत 2022 व 23 का प्रदेश सरकार ने जिले में छात्रों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य किया निर्धारित। सीडीओ ने कहा, 3,200 छात्रों को अलग अलग कोर्स के माध्यम से दिया जाएगा प्रशिक्षण। प्रशिक्षण के बाद प्लेसमेंट के माध्यम से जॉब करवाया जाएगा उपलब्ध। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के स्मृति में 23 जून से 6 जुलाई तक चलाए जा रहे वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में किया गया वृक्षारोपण। विकास कार्यों की सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने एडीओ व बीडीओ के साथ की समीक्षा बैठक। शासन की कल्याणकारी योजनाओं का नागरिकों को लाभ दिलाने के दिए निर्देश। एसपी सिटी व एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में गोरखनाथ थाने पर थाना समाधान दिवस का किया गया आयोजन। कहा, थाना समाधान दिवस में 5 मामलों का मौके पर किया गया निस्तारण, बाकियों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारी को दिया गया है निर्देश। उन्नीस मई को भटट ब्लॉक में तैनात सफाई कर्मी सनोज कुमार की तबीयत खराब होने से हुई थी मृत्यु। डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर ने मृतक की पत्नी जंतिरा देवी को मृतक आश्रित कोटे से सौंपा नियुक्ति पत्र। गुरु श्री गोरक्षनाथ रक्तकोष एवं एयरफोर्स हॉस्पिटल के तत्वावधान में रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। कहा, रक्तदान है महादान, एक रक्तदान है एक यज्ञ के समान। और नवीन महवा मंडी में हुए अतिक्रमण को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने व्यापारियों के साथ की बैठक। एक हफ्ते के अंदर अतिक्रमण को खाली करने के दिए निर्देश। पेगस निशान, गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हाँ, सही सुना आपने। जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल्स सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसर गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निशान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस, कंडीशंस अप्लाई।
रॉयल लोगों की रॉयल पसंद रेड रॉयल चाय। मटको मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी सिलवाए भी और ड्राईक्लीन भी करवाए, दो की ड्राईक्लीन पर एक कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044466300। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने सभी बीडीओ के साथ विकास भवन के सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की, जिसके संबंध में सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने बताया कि जनपद के सभी एडीओ बीडीओ के साथ विकास कार्यों की चर्चा की गई है। शासन की जो कल्याणकारी योजना है जिनसे नागरिकों को लाभ मिलता है उसका रिव्यू किया गया है, जिससे कि कोई भी ब्लॉक योजनाओं का लाभ पहुंचाने में पीछे ना रहे। इसके अलावा सांसद विधायक निधि के कार्यों पर चर्चा की गई है। सभी कार्यों को समय से पूरा करने के लिए निर्देशित किया गया है, जिससे कि कार्यों में किसी तरह की लापरवाही ना हो। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास, आजीविका मिशन, मनरेगा, अमृत सरोवर, अमृत वन के कार्यों के प्रगति की जानकारी ली गई है, क्योंकि जुलाई में एक वृहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम होगा जिसमें 22 लाख वृक्ष लगाए जाएंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने कहा, सुनील जी याद कर लें, डी आर टी हमने मीटिंग रेडी कर लिया, पी डी साहब भी लेंगे, डी ओ साहब लेंगे, ठीक है, पी डी साहब भी ले चलो, फिर शुरू करेंगे, मैं पहले दे दूँगा, बात करेंगे, ठीक है, जब से पूरा काम करेंगे। जैसा कि पहले से बताया कि आज माहौल थोड़ा गर्म था, लेकिन उसको हम लोग सही करके बाकी बढ़ रहे हैं। तो ये साप्ताहिक बैठक है विकास भवन की, और इसमें सारे हमारे जो ब्लॉक के एडीओ पंचायत हैं, एडीओ आईएसबी हैं और बीडीओज हैं, खंड विकास अधिकारी, सबका रिव्यू किया जाता है ब्लॉक वाइज। सरकार की जो मुख्य स्कीमें हैं जिससे हमारे नागरिकों को लाभ मिलता है, उन स्कीमों में कहीं भी कोई टारगेट में कोई पीछे ना रहे, इसके लिए इसका वीकली रिव्यू किया जाता है। इसके साथ साथ जो हमारी विधायक निधि है, सांसद निधि है, आरईएस के एग्जाम साहब, उनके जेई का रिव्यू किया गया है, और परफॉर्मेंस ग्रांट के जो 32 गांव हैं उनका डिटेल रिव्यू किया गया है। और आज शाम तक हमारे 32 के 32 गांव में किसी न किसी काम में L1 जारी हो जाएगा। 29 का पहले चल रहा था, 3 का और जारी हो जाएगा। इसमें जो है हमारा मुख्यतः जो स्कीम है, प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास, आजीविका मिशन, मनरेगा, अमृत सरोवर, अमृत वन, और जो अभी 15 अगस्त से पहले या जुलाई में हमारे वृक्षारोपण होना है, जो हमारा ग्राम विकास और पंचायती राज का 22 लाख का टारगेट है, उसमें गड्ढा खुदाई चल रही है, इस पर डिटेल्ड में चर्चा हुई है, और जहां जहां हमें लैक लगा है उस पर सख्त वार्निंग देते हुए अपने टारगेट पूर्ण कराने का निर्देश दिया। एसपीसीटी कृष्ण कुमार विश्नोई व एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में गोरखनाथ थाने पर थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि गोरखनाथ थाने पर थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया है, जिसमें अधिकतर मामले जमीन संबंधित आए, जिसमें दोनों पक्षों को बुलाकर बातचीत की गई, कुछ मामलों का आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण कर दिया गया। उन्होंने कहा, थाना समाधान दिवस में कुल 5 मामले आए जिनका निस्तारण कर दिया गया। इसके अलावा जो मामले आ रहे हैं उनको मौके पर पुलिस व राजस्व की टीम भेजकर निरीक्षण करवाकर निस्तारण करने के लिए निर्देशित किया गया है। इस अवसर पर गोरखनाथ थाना प्रभारी मनोज कुमार सिंह सहित राजस्व की टीम मौजूद रही। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, आप पहले महिला थाना जाइए, एक बार वो आपके पति को बुलाएंगे तो घर वालों को सबको बुलाएंगे। अरे भाई
रही है, दीवार के बगल में तो उसकी भी जमीन है। कौन है आयु भाई इसका? 11 बजे का इसका आयु कौन है? कहाँ का है? ये व्यक्ति आया कल, मुझे अच्छे से याद है, इसके मैं बकरी बांध दे रहा दुकान से। कहाँ का है तुम्हारा? देख के आएगा किसका हल का है ये सर? रागरी जायसवाल हल लिखवा यहाँ पे लक्ष्मीपुर जो है थाने में, ये हम लेपा लोग बता रहे थे। 350 नंबर बाबा के नाम, अभी किसी जमींदार के लड़के से ली है। बताइए सर, एक रजिस्ट्री दो बार में बैना होगा क्या? तो इसके 63 नंबर पीछे जो हमारी जमीन कब्जा की जा रही थी उस पर मैजिस्ट्रेट ने पीछे की जमीन के रजिस्टर ले लिया। आप बताइए अभी आगे से कब्जा करीकरण में टूट गए तो शटर हट गया। यहाँ के साइड का मतलब है कि गोरखनाथ मेन रोड पर मस्जिद के नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह, एडीएम फाइनेंस गोरखपुर हूं और हम लोग अभी गोरखनाथ थाने पर बैठे हुए हैं। यहां एसपी सिटी सर बैठे हुए हैं। हम लोग जैसा कि आप जानते हैं समाधान दिवस में जो भी समस्याएं आती हैं, विशेष तौर पे जब हम दोनों लोग संयुक्त रूप से बैठे होते हैं तो जो ज़मीन से संबंधित समस्याएं हैं उनका निदान करते हैं, जिससे बाहर कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम ना हो और समाधान में आपसी बातचीत में ही मामले को निपटाया जा सके। अब तक यहाँ पे लगभग 5 मामले आए थे और लगभग सभी का समाधान हो गया है। एक ऐसा मसला है जिसमें राज्य में जो महिला आयोग है वहाँ पर भी वो श्रीवास्तव एक महिला हैं, वो गई थी, अभी उनके भाई साहब को बुलाया गया है। वो मसला केवल ऐसा है जो अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही उनके भाई साहब आ जाएंगे वो मसला तय हो जाएगा। शेष और जो भी ज़मीन से संबंधित मामले थे आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा किन किन के नाम थे, लगभग सभी यहाँ सुलझा दिए गए। मेरा अनुरोध है आम लोगों से, जो भी हम लोगों को सुन रहे हैं, ज़मीन से संबंधित जो भी मामले होते हैं बड़े आसानी से निपट जाते हैं समाधान दिवस पे यदि आप आ जाते हैं। मेरा अनुरोध है कि आपस में आप लड़े झगड़े न, अगले समाधान दिवस पे आप अपना मामला लेकर के आ जाएं और हमारा दावा है कि हम लोग उसको सुलझा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सामान्य तौर पे मामले ऐसे हैं कि एक बैनामा है और किसी दूसरे व्यक्ति ने दूसरा बैनामा ले लिया है और दोनों व्यक्ति ऐसा कह रहा है कि एक ही ज़मीन के बैनामे दो बार हो गए हैं, या किसी का बैनामा है और मौके पर कब्ज़ा नहीं मिल रहा है, या बैनामा तो है कब्ज़ा भी है लेकिन कोई ना कोई व्यक्ति हस्तक्षेप कर रहा है। इसी तरह के मामले हैं जिनमें टाइटल विवादित नहीं है लेकिन मौका विवादित है, उसी का समाधान हम लोग करा रहे हैं। डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर ने 19 मई को मृत सफाईकर्मी सनोज कुमार की पत्नी जंतीरा देवी को नियुक्ति पत्र सौंपा, जिसके संबंध में डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया कि 19 मई को एक सफाईकर्मी सनोज कुमार, जो कि भटहट विकासखंड पर तैनात थे, किसी बीमारी की वजह से उनकी असामयिक मृत्यु हो गई, जिसको देखते हुए उनकी धर्मपत्नी जंतीरा देवी को मृतक आश्रित कोटे से नियुक्ति पत्र सौंप दिया गया, जिसके लिए एक महीने के अंदर सभी दस्तावेज को जमा करा लिया गया और नियुक्ति पत्र सौंप दिया गया, जिससे कि मृतक के परिवार को किसी तरह की असुविधा ना हो। उन्होंने कहा कि अभी पोस्टिंग जिले पर है लेकिन उनसे बात करके उनके घर से नजदीक भटहट ब्लॉक में नियुक्ति कर दी जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर ने कहा, मैडम क्या नाम है आपका? आपके पति का नाम क्या था? आपके पति की मृत्यु कब हुई थी? 19 मई को इनके पति की मृत्यु हुई थी स्थान पर। उनको आज द्वितीय प्रमाण पत्र दिया जा रहा है।
सफाई कर्मी में इनकी नियुक्ति स्थान पर मैं करा सकती हूँ जैसे। ठीक है मैडम, उन्नीस मई 2022 को जो सफाईकर्मी भटट में कार्यरत थे सनोज कुमार जी, उनकी असामयिक मृत्यु हो गई किसी बीमारी की वजह से, तो उसके स्थान पर उनकी पत्नी जंतिरा देवी को आज 25 जून को हम लोगों ने नियुक्ति पत्र सौंप दिया। जो भी उनको डॉक्यूमेंट्स जो भी प्रोसेस करना था, जो भी कार्रवाई होती थी उस कार्रवाई को कंप्लीट करके लाइक उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, डेथ सर्टिफिकेट और बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे डॉक्यूमेंट्स को लेकर के और सारे प्रोसेस को पूर्ण करके हम लोगों ने एक महीने से कुछ ही अधिक समय में उनको जो है नियुक्ति पत्र सौंप दिया, ताकि उनके परिवार वालों को कोई दिक्कत ना हो, अपनी नौकरी करके उनका जीविकापार्जन उनके घर वाले कर सकें। सर पोस्टिंग उसी गाँव में हुई है? अभी उनको पोस्टिंग जिले पर दिया गया, उनको अगले दो दिनों में उनकी नियुक्ति उनसे पूछ करके जहाँ भी खाली स्थान होगा और जो उनके लिए सहूलियत होगा, ज़्यादा दूर ना हो क्योंकि वो विधवा होंगी, तो उनके दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जहाँ रिक्त स्थान हो और जहाँ पर उनके गांव से नज़दीक हो ऐसे स्थान पर उनकी नियुक्ति कर दी जाएगी, पर भटट ब्लॉक में ही की जाएगी। गुरु श्री गोरखनाथ रक्तकोष एवं एयरफोर्स हॉस्पिटल गोरखपुर के तत्वाधान में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर रक्तकोष के प्रभारी डॉक्टर अवधेश अग्रवाल ने ऑनलाइन जुड़कर रक्तदाताओं के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि रक्तदान महादान है, एक रक्तदान एक यज्ञ के समान है। उन्होंने बताया कि रक्तदान करने से रक्तदाता को लाभ ही होता है। इस अवसर पर ब्लड बैंक अधिकारी डॉक्टर ममता जायसवाल ने रक्तदाताओं को रक्तदान से संबंधित आवश्यक जानकारियों एवं लाभ के बारे में विस्तार से समझाया, जैसे कि रक्तदाता के रक्तदान करने से स्वयं तो सुरक्षित रहते ही हैं, उसके उपरांत एक रक्तदान से चार लोगों के प्राणों की रक्षा भी की जा सकती है तथा रक्तदाता किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होती है। इस अवसर पर नरेंद्र सिंह, नीलेंदु रेखा सहित 25 लोगों ने रक्तदान किया। सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने मंडी में हुए अतिक्रमण को खाली कराने के लिए नवीन महवा मंडी में व्यापारियों के साथ बैठक की, जिसके संबंध में सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने बताया कि मंडी में व्यापारियों द्वारा विभिन्न समस्याएं बताई गई थीं, जिसके निस्तारण के लिए एक बैठक आयोजित की गई थी जिसमें मंडी के सभी व्यापारी शामिल हुए। उन्होंने कहा बैठक में व्यापारियों को पानी की समस्या, अतिक्रमण पर चर्चा की गई, क्योंकि मंडी में अतिक्रमण की वजह से हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है, जिसको हटाने के लिए एक हफ्ते का समय दिया गया है। सभी अतिक्रमणकारियों की एक सूची बनाई गई है, अतिक्रमण को हटाने के लिए सभी व्यापारियों ने सहमति जताई है। अगर 7 दिन के अंदर अतिक्रमण नहीं हटता है तो अगले सोमवार से अतिक्रमण अभियान चलाकर अतिक्रमण को खाली करवाया जाएगा। इस अवसर पर मंडी निरीक्षक अंकुश श्रीवास्तव सहित मंडी के व्यापारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने कहा ठीक है ना, आपको कल खाली करा दिए, अन्यथा कार्रवाई जो है जो भी उचित बनेगी की जाएगी। इस समय में अगर किसी को कोई समस्या है मंडी में तो वो अपनी बातें कह सकता है। काम का जो मूल्यांकन है वो हम खुद करेंगे कि हम उन्होंने कितना काम किया है। दूसरा आपसे फीडबैक लेंगे कि आप बताएंगे उन्होंने कितना काम किया। तो इसमें 2-3-4 प्रमुख बिंदु हैं जिसपे हम लोग बात करेंगे, 2-3-4 बातें होंगी, उसके बाद आपको जो समस्याएं हैं आप अपनी समस्याएं बताइए, उन समस्याओं को हम लोग लिखेंगे और उसका जो भी निस्तारण होगा वो होती रहती है कि साफ सफाई व्यवस्था जो है वो अभी भी उतनी उच्च स्तर की नहीं, उतनी अच्छी नहीं हो पाई है। देखिए आपके भरोसे अगर आपके हिसाब से रहेगा तो सब कुछ सही चल रहा, कुछ गलत चल ही नहीं रहा है। इनका अवैध अध्यासन है करीब 360 वर्ग फुट का। दुकान के आगे बांस बल्ली लगा के ये अपना कारोबार कर रहे हैं, वहाँ फेंक के चले गए कि कोई पता नहीं कर पाएगा। तो मंडी में कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे भी क्रियाशील कराने हैं, सारे कैमरे क्रियाशील होंगे मेरे हिसाब से, एक बार उनको चेक कर लेना है। और हर आरती ने कितनी सफाई रखी है अगले एक हफ्ते में ये हमें देखना है कि कितना इन्होंने सहयोग किया है। सफाई व्यवस्था अच्छे से नहीं करेगा उसके ऊपर जो भी कार्रवाई होगी, जुर्माने की कार्रवाई या मंडी के भी जो लोग हैं स्टाफ हैं जो सफाई व्यवस्था अच्छे से नहीं करा पा रहे हैं उनके ऊपर भी वही कार्रवाई देखी जाएगी। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अब वापस पूरी खत्म होती है। इसके अलावा दूसरी बात जो आपसे करनी है वो ये है कि अभी भी वाहनों की जो बात हुई थी कि वाहन मेन रोड पे ना खड़े हो, पर उस पे फिर भी अभी तक अंकुश नहीं लगा। हाँ सर, सर्वे करा
करा के एक हफ्ते में जो मैंने जो बोला वही बोला है साहब, कुछ कर दिया वो जो बिजनेस लाइसेंस मंडी में सब बैठक हुई है। देखिए मंडी में व्यापारी द्वारा विभिन्न समस्याएं बताई गई थी जिसके समाधान हेतु एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें सभी आढ़ती जो थे और मंडी के जो व्यापार मंडल के लोग थे उनके प्रतिनिधि, इसके अलावा मंडी के सारे इंस्पेक्टर्स और मंडी के पूरे स्टाफ एक साथ बैठक में बैठे थे। तो इसमें जो इनकी प्रमुख समस्याएँ थी जैसे कुछ लोगों को पेयजल की कई जगह समस्याएँ थी, इसके अलावा बहुत समस्याएँ इस तरह की थी कि अतिक्रमण हुआ हुआ है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो ये सब समस्याओं का विस्तृत का नोट बनाया गया है और इसका समाधान कराने का अब एक हफ्ते में समय दिया गया है। सभी व्यापारियों को बताया गया है कि उनका अतिक्रमण कितना है और सभी पूरी सूची बनाई गई है अतिक्रमणकर्ताओं की और उनको 7 दिन समय दिया कि अपना अतिक्रमण हटा लें और व्यापारी स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने को तैयार भी हुए हैं, तो 7 दिन के अंदर अतिक्रमण वहाँ पर पूरा हट जाएगा। नहीं हटने की दशा में अगले सोमवार से वहाँ पर अतिक्रमण अभियान चलाया जाएगा और उस पर नियम संगत कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त व्यापारियों के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, कुछ पानी के वहाँ पे जो वहाँ पे पानी के वाटर लगे थे, वाटर प्लांट लगे थे, वो उस पर खराबी थी तो उसको भी सही कराने के लिए बोल दिया गया है। तो ये कुल समस्याएं थी। कुछ लोगों को वाहन ऐसे थे जो वाहन रोड पर खड़े होते जिससे जाम की समस्या होती थी, तो सब समस्याओं का निराकरण कर लिया गया है और सबके निराकरण के लिए निस्तारण के लिए 7 दिन समय दिया गया है। ये सभी समस्याएं 7 दिन निस्तारित हो जाएंगी और निसर्ग दशा में अगले सोमवार से इन सबके लिए एक अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, जाते आते एक नज़र हेडलाइन पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। 11 लाख परिवारों को सीएम योगी ने सौंपी डिजिटली घरौनी, कहा अगस्त तक सभी 1,10,000 राजस्व गांवों का पूरा हो जाएगा सर्वे, अक्टूबर 23 तक हर ग्रामीण परिवार को दे दिया जाएगा ग्रामीण आवासीय अभिलेख, राजस्व और रजिस्ट्री विभाग मिलकर रोके फर्जी बैनामे, फ्रॉड करने वालों को पुलिस को सौंपे, 6 साल बाद नहीं बैनामे के साथ खतौनी में दर्ज किया जाए खरीदने वाले का नाम, 5 साल में माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराई गई 64,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश व एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा की अध्यक्षता में चिड़ताल थाने पर थाना समाधान दिवस का किया गया आयोजन, फरियादियों की सुनी फरियाद, समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारी को दिए निर्देश। फर्जी व्यक्ति बनकर दूसरे की जमीन की रजिस्ट्री व दूसरे के खाते से पैसा निकालने वाले एक अभियुक्त अविनीश कुमार श्रीवास्तव को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। कौशल विकास मिशन के तहत 2022 व 23 का प्रदेश सरकार ने जिले में छात्रों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य किया निर्धारित, सीडीओ ने कहा 3,200 छात्रों को अलग अलग कोर्स के माध्यम से दिया जाएगा प्रशिक्षण, प्रशिक्षण के बाद प्लेसमेंट के माध्यम से जॉब करवाया जाएगा उपलब्ध। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के स्मृति में 23 जून से 6 जुलाई तक चलाए जा रहे वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में किया गया वृक्षारोपण। विकास कार्यों की सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने एडीओ व बीडीओ के साथ की समीक्षा बैठक, शासन की कल्याणकारी योजनाओं का नागरिकों को लाभ दिलाने के दिए निर्देश। एसपीसीटी व एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में गोरखनाथ थाने पर थाना समाधान दिवस का किया गया आयोजन, कहा थाना समाधान दिवस में 5 मामलों का मौके पर किया गया निस्तारण, बाकियों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारी को दिया गया है निर्देश। 19 मई को भटट ब्लॉक में तैनात सफाई कर्मी सनोज कुमार की तबीयत खराब होने से हुई थी मृत्यु, डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर ने मृतक की पत्नी जंतिरा देवी को मृतक आश्रित कोठे से सौंपा नियुक्ति पत्र। गुरु श्री गोरक्षनाथ रक्त कोष एवं एयरफोर्स हॉस्पिटल के तत्वावधान में रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन, कहा रक्तदान है महादान, एक रक्तदान है एक यज्ञ के समान। और नवीन महवा मंडी में हुए अतिक्रमण को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने व्यापारियों के साथ की बैठक, एक हफ्ते के अंदर अतिक्रमण को खाली करने के दिए निर्देश।
अब मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।